एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बागपत के ब्लॉक बिनोली में स्थित तमेलागढ़ी गांव पड़ा। लगभग 5,000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 25 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान राजीव कुमार हैं, जिन्हें ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 4,300 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 500 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, 12 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 125 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 11 खडंजे, 12 सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 360 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, शमशान घाट, कब्रिस्तान की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, 5 सीसी टाइल्स रोड व 4 खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 60 सोलर लाइट व 200 स्ट्रीट लाइट लगवाने की भी सरकार से मांग की गई है। कुमार, गांव तमिलनागड़ी, ग्राम पंचायत तमिलनागड़ी, ब्लॉक बिनोली, थाना दोबट, जिला बागपत, तहसील बड़ौती। इसमें हमारे गांव में बहुत काम की आवश्यकता है, कुछ काम हमने इसमें कराए। इसमें हमने सीसी का कार्य करवा, लगभग 2 किलोमीटर टुकड़ों में 2 किलोमीटर के लगभग हमने सीसी इसमें डलवा दी और 11 खडंजे पड़वा के दोबारा मरम्मत करवा दी। और जी लगभग हमारे गांव में 12 किलोमीटर पूरे गांव में काम होना, लगभग 9 किलोमीटर काम बाकी है, जिसमें 4 किलोमीटर सीसी होनी चाहिए और 5 किलोमीटर इंटरलॉक होनी चाहिए। हमारे गांव में 3 गांव पड़ते हैं, तमिलनागढ़ी, पट्टी बंजारा, सरोरा। और इसमें पहले विकास की बहुत ज़्यादा जरूरत है। सबसे पिछड़ा गांव है, हिंडन के मात्र 50 मीटर बगल में हमारा सरोरा पड़ता है, 150 मीटर पर बंजारा पट्टी पड़ती है, लगभग 500 मीटर तमिलनागढ़ी हिंडन से पड़ता है। हिंडन के कारण हमारे यहाँ प्रदूषण ज़्यादा हो गया, पानी खराब हो गया, सभी नल के NGT ने हमारे फेल कर दिए, सब पर लाल निशान लगा दिए नलकों पर। लगभग 125 नलके हैं, इसमें से हमने 5 रिबोर करवा दिए, 120 रिबोर की और आवश्यकता है। पानी खराब होने से हमारे यहाँ कैंसर, पीलिया जैसी बीमारी आ रही, बहुत बीमारी बढ़ गई, सभी का एलर्जी होगी, ज़्यादातर 90% आदमी का पानी खराब होने के कारण। और हमारे यहाँ पंचायत घर है जो वो भी बिल्कुल खंडर है, पंचायत घर की भी आवश्यकता है। दूसरी जगह जहाँ पंचायत घर बनाया था वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, ना मोटरसाइकिल जा सकती, कुछ नहीं जाता, इसलिए वो खंडर है। दूसरी जगह पंचायत घर की आवश्यकता है और तीनों जगह आवश्यकता है, ना बारात घर है ना पंचायत घर है। गाँव में बारात घर की भी आवश्यकता है और पंचायत घर की भी। लगभग 60 लाइट, सोलर लाइट की ज़रूरत है और 200 स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है गांव में। अभी तक एक भी लाइट नहीं लगी, 5 लाइट सांसद कोटे से लगी, अन्य गांव में कोई लाइट नहीं लगी। गांव में तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है काम, इतना काम नहीं हो रहा, पैसा ना होने के कारण इतना काम, पैसे की ज़रूरत है, पैसे से काम होगा, पैसा है कम, इसलिए कम काम। शमशान की भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, ना चार दीवारी है, ना मासिक जो है बरांडा भी नहीं है। शमशान घाट की भी हमारे यहाँ बहुत स्थिति खराब है और तीनों गांव में स्थिति खराब है। 2 जगह कब्रिस्तान की जगह है, तमिलनागढ़ पट्टी बंजारा में, चार दीवारी। काम तो हम बहुत करना चाह रहे हैं पर पैसे की मजबूरन काम हो गया।